महाराष्ट्र में मराठा समाज आरक्षण की मांग पर अड़ा हुआ है और मराठा समाज द्वारा आरक्षण के लिए आंदोलन भी किया जा रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समाज की तरफ से चल रहे आंदोलन को लेकर सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। वहीं इस आरक्षण को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने नुकसान फायदे के हिसाब से खूब राजनीति भी कर रही हैं और इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार ने ओबीसी समाज के कोटे में मराठा समाज को आरक्षण देने का संकेत दिया है। सरकार के संकेत के बाद ओबीसी समाज इसका विरोध कर रहा है। ओबीसी समाज का कहना है, अगर मराठा समाज को ओबीसी के कोटे में आरक्षण दिया गया तो यह समाज इस निर्णय को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसके बाद मराठा समाज और ओबीसी समाज दोनों आमने सामने आ गए हैं। अब सरकार मराठा समाज को किस कोटे में आरक्षण देती है, यह देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां मराठा समाज जो है आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से जो है या कई महीनों से कहीं आंदोलन कर रहा है, वहीं जो है इस आरक्षण को लेकर भाजपा और शिवसेना को काफी नुकसान हो सकता है। इसी के पीछे बताया जा रहा है क्योंकि राज्य में जो है भाजपा और शिवसेना की सत्ता है। इसे देखते हुए जो है बताया जा रहा है कि आगामी चुनाव में इसका नुकसान जो है भाजपा को हो सकता है। वहीं इस वक्त जो है हमारे साथ जो है भाजपा के ओबीसी मोर्चा के जो नवनिर्वाचित राज्य के सचिव प्रशांत पाटिल जी हैं, हम उनसे ही बात करते हैं कि जो है इस आरक्षण को लेकर उनका क्या कहना है तो, और उन्हें अभी नया नया जो है जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को लेकर वह क्या देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले बात कृषिभूमि में आपका स्वागत है और आपका अभिनंदन कि आपको जो है नई नई जिम्मेदारी मिली है, जिसे लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद। बहुत अच्छा शब्द आपने किया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है, ये कोई पद नहीं है। और एक देखा जाए कि महाराष्ट्र में ओबीसी और हमारे पालघर, नंदुरबार और पांच राज्यों में ओबीसी, इनके प्रश्न भी अलग अलग है। मुझको पालघर का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिल रहा है, मुझको कोकण का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिल रहा है, तो ओबीसी के यहाँ के जो प्रश्न है वो हमको हमारे सीनियर्स जो है, सीनियर लीडर्स जो है, या फिर ओबीसी मंत्रालय जो हमने भाजपा सरकार आने के बाद ओबीसी मंत्रालय के जो गठन हुआ है उसमें हम लोग ये प्रश्न दे सकते हैं। इसके लिए हमको ये जिम्मेदारी दी गई है और वो जिम्मेदारी पे हम लोग पूरा होने का हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे आप बताइए कि आप खुद ओबीसी समाज से आते हैं और जो है ओबीसी समाज में जो है जिस तरह मराठा समाज को आरक्षण देने की बात कही जा रही है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि मराठा समाज को आरक्षण दिया जाएगा और ये भी स्पष्ट किया है कि ओबीसी के आरक्षण को जरा सा भी ठेस पहुंचाए बिना। तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न है। ओबीसी में उनको अगर समझो मराठा को आरक्षण देना है तो मराठा को सेपरेट आरक्षण देके ओबीसी को भी उसमें आरक्षण में कोई ठेस न पहुंचाते हुए ये प्रयत्न हमारी सरकार, भाजपा सरकार कर रही है और उसमें उनको बहुत अच्छा यश भी आ रहा है, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं ताकि ये आरक्षण, दोनों आरक्षण, ओबीसी आरक्षण भी और मराठा आरक्षण भी, सब आरक्षण ये न्यायालयीन लड़ाई में भी परिपक्व रहे, इतना उनकी जिम्मेदारी के साथ वो करने की कोशिश में। और मैं आपको, आपके दर्शकों को भी ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि भाजपा ओबीसी के बारे में बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। हर एक लीडर जब हम लोग मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, ओबीसी के बारे में वो हमसे चर्चा करते हैं, ओबीसी के विषय के बारे में चर्चा करते हैं। और हम लोग भी बोलते हैं कि पूरे महाराष्ट्र का ओबीसी का 27% का जो लड़ाई चल रहा है, हमारा तो लड़ाई जीरो से है। पालघर जिले में ऐसा है कि हमारे पास ओबीसी का आरक्षण ही नहीं है, तो हमारी लड़ाई तो जीरो से शुरुआत होती है। तो उस ज्यादा जिम्मेदारी ओबीसी समाज का देखने के लिए हमारे ऊपर है और उसमें हम लोग अच्छी तरह से यश लेंगे, ऐसे हमको लगता है। सर, देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो पालघर है, नंदुरबार है, गढ़चिरौली जैसे समेत ऐसे पांच जिले हैं जहाँ पे ओबीसी समाज की अलग समस्याएं हैं, जबकि महाराष्ट्र की जो दूसरे जिले हैं वहाँ पे अलग समस्याएं हैं। तो ये अलग अलग समस्याएं क्या है, इनमें अंतर क्या है? देखिए, यानी मेरी जो पॉलिटिकल जो शुरुआत है या फिर राजकीय शुरुआत जो है वो ही ओबीसी के ये सब प्रश्नों के वजह से हुई थी। ओबीसी के लिए 0% आरक्षण है, यानी हम लोग जब थाना जिले में थे तब हमारा 16%, उसके बाद 9%, उसके बाद 0%, अभी हम लोग जीरो पे हैं।
आज भी हमारे भाई बहन जो हमारे समाज के है, हमारा कुणबी समाज बहुत बड़ा समाज यहाँ है, या फिर कुणबी समाज के साथ जो वाडवल समाज होगा, या फिर वंजारी समाज है, आगरी समाज है, मच्छीमार समाज है, इतना बहु समाज हमारा ओबीसी में पालघर में आता है, लेकिन आज भी उनके बच्चे, आज भी हम लोग सरकारी नौकरी में या फिर तलाटी भर्ती है या फिर शिक्षक भर्ती है उसमें हम लोग किधर पीछे रहते हैं, क्योंकि आरक्षण के वजह से। जैसे पहले पॉलिटिकल आरक्षण खत्म हो गया, उसके बाद शैक्षणिक आरक्षण थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, पीछे पीछे नौकरी का भी आरक्षण कम होते जा रहा है। तो ये समस्या हमने ज्यादा से ज्यादा, हमने तो एक बार हमारा शिष्टमंडल राज्यपाल साहब के पास भी गया था, वहां भी हमने ये रखा कि ये इसके वजह से ओबीसी को पालघर जिले में कोई कोई ऐसी वजह है कि बाबा हमको यहाँ नहीं मिलता, और हमारा ऐसा कहना है कि हम यहाँ 54% या 57% यहाँ है, तो हमको उतने हिसाब से नहीं, तो जो महाराष्ट्र में चल रहा है उतना तो हमको आरक्षण मिलना चाहिए। और इसके वजह से बहुत सारे हमने आंदोलन किए हैं, मैं सरकार में रहते हुए भी और सरकार में ना रहते हुए भी आंदोलन हमने कम किए नहीं, हम लोग लड़ेंगे। और आज भी मैं भले कोई भी जिम्मेदारी हो, आज भी ओबीसी के प्रश्न के लिए लड़ना ये मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य होगा। जैसा देखा जाए कि जब सरकार के बाहर आपके पार्टी थी और आपके नेता कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो तुरंत जो है मराठा समाज को आरक्षण दिया जाएगा, रास्ते उसके सारे साफ हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी अभी एक साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी तक जो है मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिला है, क्या कहेंगे? देखिए मैं वापस बोल रहा हूँ कि हमारा सरकार ये संवेदनशील सरकार है, ये मराठा समाज को भी उतने ही संवेदनशील से देख रहा है जितना वो ओबीसी को भी देख रहा है। उनको ये दोनों भी आरक्षण, ऐसा नहीं कि आज आपने डिक्लेयर कर दिया, आज आपने कोई जीआर निकाला और वो आगे न्यायालयीन लड़ाई में उसको कुछ तकलीफ होवे, ऐसा नहीं देख रहे। इसके अगर वक्त भी जा रहा है तो वो कुछ अच्छे काम के लिए जा रहा है, लेकिन ये सरकार से मुझको व्यक्तिगत रूप से एक ओबीसी के नाते में, मैं कुणबी समाज का हूँ, वो समाज के नाते में मुझको ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी हमको अच्छी तरह से न्याय देंगे। अच्छा मुझे बताइए कि आप ओबीसी समाज से खुद आते हैं और जिस तरह सरकार जो है मराठा आरक्षण को ओबीसी समाज के तर्ज पर देना चाहती है और जिसे लेकर ओबीसी समाज में काफी नाराजगी है, तो आपको क्या लगता है आगामी चुनाव में आपकी पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है, या जिस चुनाव में आप ओबीसी समाज में आपके समाज में जाएंगे तो इसे कितना नुकसान होगा आपका पार्टी का, कि आपको फायदा होगा? देखिए मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं दोनों समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी के लीडर, सब लीडर जो सीनियर लीडर हैं, वो बहुत संवेदनशील है, वो दोनों को न्याय देंगे और वो 100% न्याय होगा, ऐसा मेरा कहना है। और अगर वो न्याय मिलता है, दोनों समाज को न्याय मिलता है, तो 100% इस इलेक्शन में 2024 के हर एक इलेक्शन में भाजपा को सीधा फायदा दोनों समाज का। और मैं अभी भी एक ठोक करके बता सकता हूं कि मराठा समाज भी भाजपा के साथ है, ओबीसी समाज भी साथ है, पूरा महाराष्ट्र आज भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के साथ है। तो 24 के इलेक्शन में हर कोई आदमी विकास के बारे में बात करेंगे या फिर आरक्षण के बारे में बात करेंगे या बहुत सारे जो कठिनाइयां हैं जो सरकार के सामने आई है उसमें बराबर वो पार करेंगे। और हमको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी करके 2024 के इलेक्शन में उभर के आएगी। आपने देखा ये प्रशांत पाटिल जी थे और इनका कहना था कि इनके जो पार्टी के नेता हैं वो काफी समझदार हैं, वो ओबीसी समाज और मराठा समाज को बराबर न्याय देंगे और जो दोनों समाज जो है वो भाजपा के साथ है और आगामी जो चुनाव है उसमें दोनों समाज जो है भाजपा के साथ खड़ी रहेगी और विकास के मुद्दे पर और आरक्षण के मुद्दे पर जो है वो भाजपा को मत देगी। संजय सिंह, केशवभूमि, पालघर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।